दोस्तों, आज ब्रश कटर में नायलॉन वायर कैसे रिप्लेस करें। इस बटन को हम दबाएंगे, दोनों तरफ रहते हैं, आसानी के साथ ये खुल जाएगा। तार के कटे हुए हिस्से जो मौजूद हैं उसे निकालेंगे। इसमें ग्रास के कुछ कचड़े पड़े हैं, उसे साफ करेंगे। अब हम नायलॉन वायर लेंगे जो बाजार में आसानी के साथ मिल जाएंगे। करीब 2 मीटर के आसपास में हम इसे कट करेंगे। और इस तरह से एक निशानदेही कर लेंगे हम आधे आधे का। वायर को फंसाने के लिए जगह बनी रहती है, आप इसमें वायर को फंसा लें इस तरह से और गोल गोल कर इसे घुमा लें। आखिरी छोर पर इसे इस तरह से फंसा लें ऊपर की तरफ, और दूसरे वायर को भी इस तरह से फंसा लें। इसके बाद एक छोर को दूसरी छोर को आप ऊपर से दबा करके भी पास कर सकते हैं। जिसमें आसान हो आप उसी तरीके से करें। इसमें मैंने दबा कर इस तरह से पास किया एक तरफ बैठाने के बाद। देखिए, एक तरफ मैंने दबाया और इसे दबा के मैंने पास किया इसे। ये इस तरह से ये हो गया। के बाद इस क्लिप को दबाकर आप इसे फिट कर लें। ये रेडी है वर्क करने के लिए। शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।